हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व टेस्ट पेपर 4 क्लास 6 आरएस अग्रवाल में। और ये टेस्ट पेपर पेज नंबर 78 पर दिया हुआ है आरएस अग्रवाल मैथ में। जिनके पास पुरानी बुक है वहाँ उस पर लिख रहा होगा सीसीई टेस्ट पेपर, क्योंकि पहले सीसी चलता था सीबीएसई में, तो सीसी टेस्ट पेपर कहलाता। अब सीसी पैटर्न खत्म हो गया है तो अब इसे खाली टेस्ट पेपर नाम कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है, सारे सवाल सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर इंटीजर्स? राइट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम माइनस 5 to 5। इंटीजर्स की डेफिनेशन पूछिए, व्हाट आर इंटीजर्स? तो ये अपने अपने तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। इंटीजर आपको मालूम है ना, नॉन डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। आप ये भी लिख सकते हो कि नॉन डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 15.6 पढ़ा है, -3 पढ़ा है, -3/7, 3/7 का मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा ना, कि -1.2, -11.35। तो जितने भी नॉन डेसिमल नंबर हैं, यानी कि इन नंबरों में से डेसिमल को रिमूव कर दें तो जो कुछ बचेंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे -3, -4, -11, 2, 5। ये दूसरी तरीका क्या होता है लिखने का, वो मैं लिख देता हूँ। कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना, एंड नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन, या नेगेटिव नेचुरल नंबर जिसे बोल सकते हैं, एंड नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन, ऐसे लिख दो। इट्स कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये कलेक्शन ऑफ होल नंबर हो गया एंड सो ऑन, और नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेचर नंबर 1, 2, 3 होते हैं, 1, 2 के साथ नेगेटिव साइन, 3 के साथ नेगेटिव साइन। तो ये जो हमें कलेक्शन मिलेगा ये सब क्या होंगी, इंटीजर्स। बस इतनी सी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, दीज आर इंटीजर्स। अब इसके आगे लिख रहा, राइट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 5। तो इसे ध्यान से लिखना, कभी कभी होता है कि बिटवीन -5 to 5, तो हमें -5 और 5 को नहीं लिखना होगा, क्योंकि बिटवीन का मतलब उसके बीच वाली। लेकिन यह -5 से लेके 5 तक सब लिखना, तो लिख दीजिए। तो आप जानते हैं ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 5 आर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, गलत पढ़ गए, थर्ड पढ़ गए, 2 है। इन ईच ऑफ द पेयर गिवन बिलो फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर्स। फर्स्ट पेयर हमें दे रखा है 0, -3, इसमें हमें बताना है कौन सा लार्जर है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ये तो पता है, तो लिख दोगे 0 इज लार्जर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी में एक सेकेंड पार्ट दे रखा है, -4 और -6, कौन सा लार्जर है। देखने में तो -6 लग रहा है ना, लेकिन आप सबको मालूम है, मैं मजे ले रहा हूं, कि -4 ग्रेटर होता है, माइनस में क्या था, अपोजिट। तो लिख दोगे -4 इज लार्जर। इंटीजर्स लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिख लो, इंटीजर की तो बात ही चल रही है, ऊपर भी आप चलो ऊपर भी लिख दो फिर, लार्जर इंटीजर। नाउ थर्ड पार्ट, -99 and 9, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सबको पता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो पॉजिटिव इज द लार्जेस्ट इंटीजर्स, यानी कि 9, तो 9 इज अ लार्जर इंटीजर। राइटिंग सुधारनी होगी मेरे को, है सब कहते हैं आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, ये बात सही है। फोर्थ, -385 -615, कौन सा होगा, माइनस रिवर्स होता है, -385 लार्जर है, तो -385 इज अ लार्जर इंटीजर्स। वैसे क्या तरीका होता है, नंबर लाइन पर शो करते हैं हम इंटीजर्स को, जो नंबर दो नंबर है से कोई एक नंबर लेफ्ट पर होगा एक नंबर राइट पर होगा, जो नंबर राइट हैंड पर है दूसरे नंबर से वो हमेशा क्या होता है, लार्जर, है ना, ये आपको पता है नंबर लाइन का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्मॉलर पहले आएगा, मैं लगा देता हूं डायरेक्ट, है ना, -36 सबसे छोटा, इसमें -36 से बड़ा -18,
फिर उससे बड़ा माइनस में 5 दे रखा है, माइनस 1 तो माइनस 5 आएगा, है ना, फिर माइनस 1 आएगा, उसके बाद सब पॉजिटिव है, एक जीरो है तो उसके बाद जीरो आएगा। अब पॉजिटिव में क्या क्या दे रखे हैं, 1, 8, 16, तो ये क्रम हो जाएगा, 1 आएगा फिर 8 आएगा फिर 16, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। बीच में अगर आप सिंबल लगाना चाहें तो सिंबल क्या होता है, ये इसके लेस ओ सॉरी माइनस हो रही है ना, और ये इसके लेस देन, 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 नहीं है सिंबल साहब, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि -36 इज लेस देन -18 इज लेस देन -5 इज लेस देन -1 लेस देन 0 लेस देन 1 लेस देन 18 लेस देन 16, इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिविन नंबर। नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर आर थ्री पार्ट्स, 9 माइनस माइनस 6, एब्सोल्यूट वैल्यू, या से मॉडुलस भी बोलते हैं। तो जब मॉडुलस का सिंबल हटता है तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव आता है, तो माइनस तो ये माइनस 6 का क्या हुआ प्लस 6, और 9 में से 6 गया तो 3, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का हो गया 3, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है ये। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 6 प्लस मॉडुलस माइनस 4, तो क्या होगा 6 प्लस, और ये प्लस का हो जाता है, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 10 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस 8 माइनस माइनस 3, तो क्या होगा माइनस 8 माइनस 3 है, और ये माइनस का क्या रह जाएगा, क्या हो जाता है प्लस 3, तो ये 3, माइनस 8 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 11, तो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज राइट 4 इंटीजर लेस देन माइनस 6 एंड 4 इंटीजर ग्रेटर देन माइनस 6, माइनस 6 से 4 लेस देन लिखने, तो लिख सकते हो कि 4 इंटीजर्स लेस देन माइनस 6 आर, अगर ये कोई एक्सरसाइज में सवाल होता तो इसका आंसर मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत सारे इन्फाइनाइट, तो आप जस्ट छोटे लिख दो कि माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 एंड माइनस 10, 4 हो गए, ये क्या है माइनस 6 से लेस देन है। अब 4 हमें लिखना ग्रेटर देन, इसी तरह ग्रेटर देन लिख दो, 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस 6, अगर माइनस में कोई कंफ्यूज प्लस के लिख दो, हमें 4 लिखने हैं, 1 2 3 4, वैसे माइनस के में कौन से माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, ये इससे ग्रेटर है, तो कोई से भी लिख सकते हैं, मैं माइनस से लिख देता हूँ, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 2 आर, अच्छा ऊपर लिख दिया 4 इंटीजर ग्रेटर देन माइनस 6, ये हो गए, ये आंसर हो गया बस। अब आपकी यहाँ मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते थे, या माइनस 100 100 1 माइनस के लिख सकते थे, प्लस में 1 2 3 4 माइनस प्लस में 101 101 102, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। माइनस 6 से बड़े होने चाहिए वो चारों नंबर, और ये चारों इंटीजर्स इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए माइनस से 6 से छोटे, तो बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर हैं, तो हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग लिखे, तो इसका आंसर की तो खैर टेस्ट पेपर है, आप कुछ भी लिखाओ, अगर बुक में ये सवाल होता एक्सरसाइज में, हो सकता आप ये लिखते आंसर नहीं मिलता, तो डरने की जरूरत नहीं है, जो नंबर होगा बुक का वो माइनस 6 से बड़ा होगा इसमें, और ये नंबर माइनस 6 से छोटा होगा, वो है वही होना चाहिए बस। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है कि 8 प्लस माइनस 6, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 8 में से 16 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। नेक्स्ट सेकंड, माइनस 5 प्लस माइनस 6, माइनस 5 प्लस माइनस 6, तो क्या हुआ माइनस 5 और प्लस माइनस माइनस 6, जब दोनों साइन एक से होते हैं तो नंबर ऐड होते हैं, और साइन वही आता है जो दोनों के साथ है, माइनस 11, ओके। नेक्स्ट इसमें अरे बहुत सारे पार्ट है, 8 पार्ट है, माइनस 6 इंटू माइनस 8, माइनस 6 इंटू माइनस 8, दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, वो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 6 एक जा 48 प्लस को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 48 आ गए, यहीं लिख देना, एक ही बात है वो मैंने क्रम में इसलिए लिख दिया है। फोर्थ पार्ट डिवाइड का है, माइनस 36 डिवाइडेड बाई 6, प्लस का माइनस में डिवाइड करेंगे तो माइनस से आएगा, और 6 का 36 में, 6 से 36 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 6 जा, आंसर हो गया माइनस 6। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 30 माइनस माइनस 50,
क्या हो जाएगा, 30 तो ये है भाई, और माइनस माइनस प्लस 50, और 30 और 50 कितना हो गया, प्लस का 80। नाउ सिक्स पार्ट इज -40, दिखाता हूं भी, डिवाइडेड बाई -10। -40 में माइनस से डिवाइड करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस जिसे बोलते हैं, और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 4, यहां लिख देता हूं मैं 4। ओके नाउ लास्ट, लास्ट है नहीं अभी तो, एक और इसके बाद, सेवेंथ पार्ट, 8 × -5, 8 × 5 = 40, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 40। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6, -30 ब्रैकेट क्लोज -15, तो क्या हो गया, -30 -15 कितना आ गया, -45। सिंपल सा पेपर बनाया है इन्होंने। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -12, इफ वन ऑफ देम इज 34, फाइंड द अदर। हमें अदर इंटीजर्स फाइंड करना है, चलिए करते हैं। देखो मैं कहूँ कि दो नंबर हैं जिसका सम 15 है, एक 5 है, तो दूसरा क्या होगा, तुरंत बता दिया आपने 10, कैसे 15 में से 5 सेपरेट कर दें, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसे कि अदर नंबर इक्वल टू जो दो नंबर का सम है उसमें से जो एक इंटीजर्स दे रखा है उसको माइनस कर दो, या आप एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना चाहें वैसे, कि लेट अदर नंबर बी एक्स, बच्चों को ये ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसी से कर दे रहा हूं, लेट अदर नंबर इज एक्स। तो हमें क्या देखा, दो नंबर का सम जिसमें एक नंबर हमें पता भी है, चलो मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, सम ऑफ टू नंबर्स या इंटीजर, सम ऑफ, तो नंबर्स क्या है, इंटीजर्स लिख लेना, जब इंटीजर्स की बात चल रही है तो इंटीजर्स ही लिखो, तो सम ऑफ टू इंटीजर ये हमें गिवन है, और कितना गिवन है, -12, ये हमने ये मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर प्लस दूसरा नंबर जो भी हमने एक्स माना है, इन दोनों का सम दे रखा है, किसके दे रखा है, -12। ओहो तो मैंने कुछ लिख दिया, वन ऑफ देम इज 34, ये 34 है भाई सम, हाँ ठीक है, तो ये गलत लिख दिया ना, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, सम 12 दे रखा है, सम ऑफ टू इंटीजर्स और वन ऑफ देम इज 34, उनमें से एक नंबर 34 है, काटना पड़ेगा, तो 34 पहला नंबर, एक हमने मान लिया एक्स, फर्स्ट इंटीजर 34, दूसरा हमने एक्स मान लिया, इन दोनों का सम दे रखा था -12, तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, जो 34 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 34 हो जाएगा, माइनस के 12 और माइनस के 34 कितने हो गए, -46, तो अदर इंटीजर्स विल बी -46, तो अदर इंटीजर इज -46। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी 6 की तरह है, थोड़ा बड़ा है, 4 पार्ट्स हैं, इवेल्युएट करना है हमें, फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई एक ही बात है, -24 × 68 ब्रैकेट क्लोज प्लस -24 × 32। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, वो क्या होती थी कि ए, ये यहां लिखता हूं मैं, वो होती थी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो, तो वो होती थी ए इंटू बी प्लस सी। यहां पर देखो ए की जगह क्या है, -24, दूसरे शब्द में हम इसमें से ए कॉमन ले लो, वो अभी आपने पढ़े नहीं फैक्टर, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह बता रहे हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है ए इंटू बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या ये, तो किसके इक्वल होगा ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है 68 और सी की वैल्यू क्या है 32, तो ऐसी ब्रैकेट लगा तो बेकार कर लगाया, तो ये कितना हो गया -24, तो ये हो गया इंटू 38 + 32, 68 + 32 100, 100 का मल्टीपल तो हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, तो -24 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट हमें इवेल्युएट करना है, -9 × 18 -9 × 8, ये भी सेम हो गई, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, प्लस में आ रहा है तो एडिशन, और बीच में अगर माइनस हो जैसे माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो क्या होता है ए, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, सॉरी बी माइनस सी, तो ये क्या हो गया, -9
इंटू टेन तो माइनस 90। यहां से आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये कहां से आया कि a इंटू वी माइनस ए इंटू सी इक्वल टू होता है ए बी माइनस सी, यहां से आया। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया माइनस 90। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है ए सेक्शन का, ए जो पार्ट करके देखा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं फिलहाल। तो माइनस 147 डिवाइडेड बाय माइनस 21, माइनस है, माइनस हो रहे हैं ना, तो माइनस, तो ये माइनस लग रहा है ना, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये तो ओरली हो गया, कैसे 27 बार कैंसिल हो, देखो 7 × 7 = 40, बस ये आंसर हो गया। नाउ समझ में आ गया ना, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 21 7 या 147 होता है, छोटा सा था इसलिए लिख दिया डायरेक्ट, तो कैंसिल करेंगे तो 7 बार की तो कैंसिल हुआ। नाउ वी करेक्ट द टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर, हमें मार्क करना टिक का। क्वेश्चन नंबर 9, द सक्सेसर ऑफ माइनस 89, माइनस 89 का सक्सेसर पूछा है, सक्सेसर क्या होता है, जस्ट आफ्टर यानी कि प्लस 1 कर दें, कितना आ जाएगा माइनस 88, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, इसके आगे आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रेडिसर, प्रेडिसर क्या होता है, जस्ट बिफोर, उसके लिए हमें एक माइनस कम करना होगा, सक्सेसर में प्लस 1, प्रेडिसेसर में माइनस 1, तो माइनस के 99 और माइनस के 1 माइनस 100, और ये भी हमें ऑप्शन बी दे रखा है इसका भी, तो इसका भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 23 क्या होगा, हमने बताया था किसी भी एडिटिव इनवर्स का निकालना हो तो वही नंबर होती है सेम, बस साइन अपोजिट हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एडिटिव इनवर्स होता क्या, वैसे ऐसा नंबर जो इसमें ऐड करने पर इसका सम जीरो आ जाए, तो जीरो कब आते हैं, जब कैंसिल हो जाए एक दूसरे से, जब कैंसिल कब होंगे, जब अपोजिट साइन हो, तो आप डायरेक्ट केवल साइन चेंज कर दोगे, तो आंसर हुआ इसका 23, और ये हमें सी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछते कि 23 का एडिटिव इनवर्स माइनस 23, कि 5/4 का एडिटिव इनवर्स तो माइनस, जो भी नंबर है उसे माइनस से मल्टीप्ली कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये तरीका है। 12 में देन करेक्ट सिंबल, अच्छा, क्वेश्चन ये तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, माइनस 13 + 6, और ये बॉक्स है, इसमें बताना है ग्रेटर आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल आएगा, ये बताना है, तो कब बता सकते हैं, जब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू मालूम हो, और वो इधर किया माइनस के 25 माइनस माइनस 9, तो दोनों को सॉल्व तो करना पड़ेगा तभी तो बताएंगे, तो 6 में से 13 गए तो माइनस के कितना बचा भी, 7 तो बचा, हाँ 7 बॉक्स रहने दो, देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना, और 9 में से 25 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, करते क्या हम 25 में से 9 ही सबट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस 16, यहाँ माइनस 7 है या माइनस 16, तो यहाँ ये नंबर का कंपेयर इससे करते हैं, कैसा ये ग्रेटर, तो ग्रेटर के लिए क्या सिंबल, ये तो ये वाला सिंबल आएगा ग्रेटर वाला, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, दे रखा है ए में लेस देन दे रखा है, बी में ग्रेटर, सी में इक्वल, और डी दे रखा है नन ऑफ दीज, तो आंसर इसका हो गया बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन 13 ही दे रखा है, क्वेश्चन मार्क प्लस माइनस 8 इज इक्वल 12, तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो मालूम है यानी कि दो इंटीजर का सम 12 है, जिसमें 1 माइनस 8 सेकंड निकालना है, सिंपल सी बात, इसको अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं, बीते क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, ये नंबर सामने ले जाएं तो साइन चेंज हो जाता है, तो कितना आ गया 20, तो आंसर होगा इसका 20, जो कि हमें बी नहीं, बी में माइनस 20 दे रखा, सी में दे रखा है प्लस 20, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द इंटीजर विच इज 5 मोर देन माइनस 5, वो इंटीजर फाइंड करना है जो माइनस 7 से 5 मोर है, तो 5 मोर है तो यानी कि इसमें प्लस 5 कर दें, बस कितना आ गया माइनस 2, तो आंसर हो गया माइनस 2, ए में 12 दे रखा है माइनस का 12, बी में 12 और सी में माइनस 2 और डी में प्लस 2, तो ध्यान से रखना माइनस 2 वाला चाहिए हमें, तो माइनस 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी में, तो 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, व्हाट शुड बी एडेड टू 16, ये कह रहा है 16 में क्या ऐड करें,
व्हाट शुड बी एडेड टू 16 टू गेट, ये किसके इक्वल हो जाए माइनस 31 के। मान लेते हैं इसमें x ऐड करा, तो यानी कि 16 प्लस एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 31। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, माइनस 31, 16 को दिलाएंगे तो माइनस 16, क्या आ जाएगा ये माइनस 47, ऐड कर लिया। और माइनस 47 हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अरे 1 और 6 7 और 3 1 4 दोनों में माइनस, इसलिए माइनस आया माइनस 47, तो 15 का डी हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ बी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, चलिए वो भी करते हैं। एंड द क्वेश्चन 16 इज व्हेन 34 इज सब्ट्रैक्टेड माइनस 36। ये कह रहा है माइनस 36 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 34, तो 34 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वी गेट, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा कितना हुआ ये 6 और 4 10 कैरी 1 70, तो माइनस 70 इज द आंसर जो कि हमें डी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये है माइनस 23 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इट्स इक्वल 15, इसमें क्या आएगा। तो देखो क्या होगा, सपोज करो x है चलो मान लो, तो क्या होगा माइनस 23, 15 को दले माइनस के 15 और माइनस x दर जाएगा x, तो x वैल्यू आ गई, ये हमें फाइंड करनी थी। तो 5 और 3 8 2 1 3 और माइनस का साइन, तो x की वैल्यू माइनस 38। फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस 38। ओके, सी का जो फर्स्ट पार्ट है, सी पार्ट का वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 का 17, तो 17 का फर्स्ट पार्ट माइनस 38। अब क्वेश्चन नंबर 17 का ही सेकंड पार्ट, वो हमें पूछा है द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज डेट डेस्ट डेस्ट, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स बता सकते हो, माइनस वन सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स है। हम स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स फाइंडिंग कर सकते लार्जेस्ट, और हम लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंडिंग कर सकते हैं, अगर पूछेगा तो कैन नॉट बी फाइंड लिख देते हैं, उसमें हम स्मॉलेस्ट फाइंड कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, प्लस वन। तो ये तो चलो सेकंड पार्ट हो गया इसका। नाउ थर्ड, सेकंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वन, जो भी बात कर रही थी थर्ड वही है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज, तो समझ गए प्लस वन, तो प्लस वन इसका आंसर हो गया, क्योंकि वन से कम जीरो, जीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इसलिए जीरो इज नॉट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर ना, बहुत से स्टूडेंट जीरो लगा देते हैं, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें ये नंबर दे रखा है माइनस 8 प्लस माइनस 6 माइनस माइनस 3 इज इक्वल डैश डैश, इसमें क्या आएगा, ओरली करने से माइनस 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6, तो माइनस 8 माइनस 6 कितने हो गए माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस 3, 3 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस 11। फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें माइनस 11 आ जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट लास्ट है, प्रेडिसर पूछा है ऑफ माइनस 200, तो क्या होगा एक कम कर दें तो माइनस 201, अगर सक्सेसर पूछा तो प्लस 1 कर लेते, तो क्या आता वैसे, अगर सक्सेसर हम निकालते माइनस 199 प्लस करते ना तो 199, लेकिन प्लस हमें पूछा क्या है प्रेडिसर, तो प्रेडिसर क्या हो गया इसका माइनस 201। क्लियर, ओके, नाउ वी विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, अभी हम डिस्कस कर रहे थे है ना, यही तो बता रहे थे, तो ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इसलिए ये ट्रू है। सेकंड में कुछ नंबर दे रखा है माइनस माइनस 36 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 37, देखें ये है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 35 में से बन गया तो 34 आएगा, यहां लिखा है 37, तो इट इज फॉल्स, सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ये 34 आया जबकि दे रखा है रिजल्ट में माइनस 37, तो यानी कि ये फॉल्स है। नाउ थर्ड, ऑन द नंबर लाइन माइनस 10 लाई
टू द राइट ऑफ माइनस सिक्स, ये कह रहा है जो माइनस टेन है माइनस सिक्स के राइट हैंड पर पड़ेगी। सही है या गलत है बताओ, ट्रू और फॉल्स? राइट हैंड पर कौन से पड़ते हैं, दो नंबर हो उनमें से हम पूछे कौन सा राइट पर पड़ेगा जो इन दोनों में बड़ा होगा। माइनस टेन बड़ा है कि माइनस सिक्स? माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स राइट पड़ेगा टेन के, ना कि माइनस टेन। और ये कह रहा था कि ऑन नंबर लाइन माइनस टेन लाई टू द राइट माइनस सिक्स, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा माइनस टेन तो छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर होता है वो उस नंबर से लेफ्ट की तरफ पड़ता है ना कि राइट की तरफ। नंबर लाइन ध्यान होगी, ये गया जीरो आता है माइनस वन, यहाँ माइनस सिक्स आएगा, ये यहाँ कहीं माइनस टेन आएगा। तो देखो माइनस सिक्स से माइनस टेन, ये कैसे यहाँ से लेफ्ट किया ना कि राइट, लेफ्ट है ना, और ये बोल रहा राइट, तो इसलिए फॉल्स। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज जीरो इज एन इंटीजर, तो एकदम ट्रू है। हमने जब सबसे पहले इंटीजर की डेफिनेशन लिखवाई थी, हमने क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, जीरो होल नंबर है, जीरो होल नंबर भी है, जीरो इंटीजर्स भी है। तो इसमें पूछा जीरो इज एन इंटीजर्स, तो बिल्कुल होता है, तो लिख दोगे ट्रू। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी टेस्ट पेपर, मॉडुलस माइनस 40 या एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 40 इक्वल टू जीरो, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, फॉल्स है। क्यों नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस 40, प्लस 40 वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी 80, और जबकि दे रहा जीरो, सो इट इज फॉल्स। ओके, तो ये टेस्ट पेपर 4 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बाकी क्या, अगर टेस्ट पेपर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्कशन बॉक्स में, टेस्ट पेपर 1, 2, 3, या आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्या है, क्लास 6 टेस्ट पेपर ऑफ क्लास 6 नाम से है, उसमें देख सकते हैं सारे टेस्ट पेपर हैं उसमें, जितने अब तक हो चुके हैं। ओके, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब मैं अगला इसके आगे का वीडियो अपलोड करूंगा टेस्ट पेपर 5 का, तो वो आपका मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।